अस्सलाम वालेकुम। देसी फूड में खुश आमदीद। आज हम आपके साथ दाल चावल की रेसिपी शेयर करेंगे। दाल चावल के साथ जो दाल हम बनाएंगे वो चने की दाल है। आपको जो दालें अच्छी लगती हैं या ना चाहें तो आप उस तरह बना लें। हमने आधा किलो दाल ले ली है चने की और इसे भिगो के रख दिया था 2 से 3 घंटे के लिए। अब हम इसमें पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 गिलास पानी डाल दिया है हमने इसमें। अब हम इसमें नमक डाल देंगे। 1 टेबल स्पून नमक डाल दिया है मैंने। वन टीस्पून पिसी लाल मिर्च डाल दी। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे हम 1/4 टीस्पून। 1 दरमियाने साइज की प्याज डाल दी हमने इसमें, चॉप की हुई बारीक, जैसा काटना चाहें। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे हम। 4-5 लहसुन अदरक, लहसुन है एक छोटा सा टुकड़ा, अदरक का है, 10 हरी मिर्चें हैं बारीक वाली। कुछ लोग बीच में साबुत डालते हैं, ये जब सब चीजें मैंने पीस के डाल दी हैं। फ्लेम ऑन कर लिया है हमने। पानी मैं इसमें 1 गिलास और डाल रही हूँ क्योंकि मुझे पानी कम लग रहा है। ठीक है, तो अब हमने फ्लेम फुल कर दिया है इसके नीचे और कवर कर देंगे इसे। दाल उबल चुकी है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसके उबलने की। मिक्स कर दिया है इसे। अब हमने कवर करके लो फ्लेम पर इसे पका लेंगे। जब तक दाल पक रही है हम अपने चावल बॉईल कर लेंगे। चावल हमने 1 किलो लिए हैं और भिगो दिए हैं 10 मिनट के लिए। ऑयल डाल देंगे हम इसमें। एक प्याली ऑयल डाल दिया है हमने और 1 दरमियाने साइज की प्याज ले ली है, वो डाल देंगे हम इसमें। प्याज को हम हल्का सा पिंक कलर दे देंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हमें गोल्डन सा करना है बस। प्याज हल्की सी गुलाबी हो गई है हमारी, थोड़ी गोल्डन भी हो गई है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून जीरा डाल देंगे। जीरा डाल के मिक्स कर लेंगे। वन टेबल स्पून नमक डाल दिया है हमने। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लीजिएगा। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। 1 किलो चावल है तो हम 4 गिलास पानी डाल रहे हैं। कवर कर देंगे इसे उबाल आने तक के लिए। पानी बॉईल हो चुका है, अब हम इसमें चावल डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे और इनका पानी ड्राई कर लेंगे। चावलों का पानी ड्राई हो चुका है तकरीबन, अब हम इन्हें तवे पर रखकर दम लगा देंगे। तवा लगा दिया है हमने और इन्हें लगा दिया है अब हमने 10 मिनट के लिए। हमने इन्हें दम देना है। 5 मिनट हमने फुल फ्लेम पर इन्हें पकाना है और 5 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर। 5 मिनट फुल फ्लेम पर इसलिए पकाना है ताकि इसमें स्टीम बन जाए, फिर इसे लो फ्लेम पर 5 मिनट मज़ीद पका लेंगे। तो अब हम इन्हें कवर कर देंगे और दम पर लगा देंगे। तो जब तक यहाँ चावलों को दम लग रहा है तो हम अपनी दाल को तड़का लगा लेंगे। दाल रेडी हो चुकी है, देखिए कितनी अच्छी तरह से, ना ही ये बहुत पतली है ना बहुत गाढ़ी है, दरमियानी है बस। ये अच्छी सी जैसे चावलों के साथ खाई जाती है वैसे बनाई है।
अब हम इसका तड़का रेडी कर लेंगे। पैन ले लिया है, आधी प्याली ऑयल ले लिया है, और ऑयल डाल देंगे हम इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन डाल देंगे हम इसमें, लहसुन को हम फ्राई कर लेंगे इसमें। लहसुन फ्राई हो गया है आधा। अब हम इसमें हरी मिर्चें और कड़ी पत्ता डाल देंगे। दो हरी मिर्चें ले ली हैं हमने, उनके दो दो टुकड़े कर लिए हैं इस तरह से, और कड़ी पत्ता तकरीबन 10-15 पत्ते ले लिए हैं, वो भी डाल देंगे हम इसमें। चावलों को मिक्स कर लेंगे हम। दम लग चुका है इन्हें और चावल हमारे रेडी हो चुके हैं। तड़का लगा दिया है हमने इसमें। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया डालने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो देखिए कितने ज़बरदस्त किस्म के हमारे ज़ीरे वाले जो चावल हैं, ज़ीरा राइस, वो और दाल चने की रेडी हो चुकी है, डिश आउट कर ली है हमने। निहायत खुशबूदार बनी है, बहुत ही मज़ेदार बनी है। ऐसा रखा है, ना ही बहुत गाढ़ी है, ना ही बहुत पतली है, और थोड़ी सी हरी मिर्चें भी इसमें मैंने फ्राई करके डाली थी आपके सामने। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, और चावल भी देखिए आप हमारे कितने अच्छे बने हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकअल्लाह।